नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोसिव स्टडी पॉइंट को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगी। आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं मैमेलिया के क्लासिफिकेशन को। लास्ट वीडियो में हमने इनका जनरल करेक्टर्स कर दिया था, ऑलरेडी कवर है। मैमल्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। आवाज़ बारी है इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन को आराम से समझते हैं। पहला जो लाइन दिखा गया है उससे तो आप फेमिलियर होंगे, पता होगा, स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। ठीक है, मैमल्स या फिर मैमेलिया को पढ़ाई को ही मैमोलॉजी कहा जाता है। मैंने ये भी कल बताया था आपको कि ऑल ओवर वर्ल्ड मैमिलियंस के कितने लिविंग स्पीसीज, यानी धरती पे अभी कितने स्पीसीज पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड मैमिलियंस के, तो 5000 स्पीसीज से ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड धरती पे मैमिलियन के स्पीसीज अभी है, एक्सटेंड नहीं हुई है, अभी धरती पे है। अब उसी 5000 लिविंग स्पीसीज को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, और इन्हीं 5000 लिविंग स्पीसीज को ग्रुप में बांटने वाले हैं। ठीक है, मतलब सब क्लासेस में बांटेंगे, फिर ऑर्डर में बांटेंगे, तो सभी को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। कुछ इनके बेसिक करेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन सबका किया जाता है। तो क्लास मैमिलिया के दो मेजर सब क्लासेस हैं, दो ही सब क्लासेस हैं। पहला सब क्लास का नाम आप लोग देख सकते हैं, मैमिलिया के पहला सब क्लास है प्रोटोथेरिया एंड दूसरा क्लास है थेरिया। तो इसके दो सब क्लासेस होते हैं, प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया। अब दोनों के नाम में सिमिलरिटी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए थेरिया थेरिया, लेकिन यहाँ पर प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब सबसे पहले, और प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव भी होता है, सबसे पुराना। ठीक है, फर्स्ट या प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो ये वैसे मैमल्स होंगे जो सबसे पहले आए होंगे धरती पे, सबसे पुराने मैमल्स हैं धरती पे, उसी के बाद ये सभी थेरिया वाले आए हैं। तो प्रोटोथेरिया मैमल्स का सीधा सा मीनिंग यही है, और यहाँ पर उसका मीनिंग मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने कॉपी में ज़रूर लिखना है। ये हमारा जो आप देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स बनाने का बस एक ही मतलब होता है कि रिवीजन में बहुत आसानी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे और रिवाइज हो जाए। लेकिन आप लोग लॉन्ग नोट्स बनाइएगा, जब एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा इसी को, उसके बाद आप अपना खुद से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अब जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग नोट्स बनाना है, जो जो भी पॉइंट्स बोलते जाऊँ इंपॉर्टेंट आप लोग को नोट डाउन करते रहना है। और ये जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अपलोडेड है ये वाला पीडीएफ। प्रोटोथेरिया का मात्र एकमात्र ऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रमाटा। अब प्रोटोथेरिया या मोनोट्रमाटा एक ही बात बोल लो, क्योंकि इसके पास अब ऑर्डर कितना है, एक ही है, तो प्रोटोथेरिया को मोनोट्रमाटा भी कभी कभी बोल दिया जाता है। अब दोनों का जनरल करेक्टर्स हम लोग एक ही होता है, अलग नहीं होता है, चूँकि देख सकते हैं इसी का ऑर्डर है ना, तो दोनों का जो जानवर होगा इनमें, उन सब का जो जनरल करेक्टर होगा सिमिलर होगा। आप लोग अलग अलग करके लिखना चाहते हैं, जैसे कि प्रोटोथेरिया लिखें, उसके बाद इनका कुछ जनरल करेक्टर लिखेंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर इनका कुछ जनरल करेक्टर लिखेंगे, तो अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं, दोनों में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी सेम होता है। प्रोटोथेरिया या मोनोट्रमाटा जो इनका ऑर्डर है, उनका हम लोग अब समझते हैं जनरल करेक्टर, जनरल सी बातें। सबसे पहले मैंने बताया ये प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स होंगे, सबसे पुराने सबसे पहले आने वाले मैमल्स होंगे, और ये इनका बॉडी अब जब देखेंगे गौर से, मैं पिक्चर भी लगा दे रहा हूँ, अब देखिएगा इनका बॉडी थोड़े से रेप्टाइल्स जैसे दिखने में लगते हैं, तो रेप्टाइल्स लाइक बॉडी इनकी होती है। ठीक है, अपीयरेंस इनका रेप्टाइल्स लाइक होता है। ये जितने भी मोनोट्रमाटा हैं वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, यानी अंडे देने वाले जानवर होते हैं। अब आप इतना तो फैमिलियर होंगे कि मैमल्स में, पिछली वीडियो में मैं बताया था, मैमल्स में अंडे देने वाले ओविपेरस वेविपेरस दोनों प्रेजेंट है, और आज आपको पता चल गया कि कौन मैमल्स में कौन अंडा दे रहा है, कौन अंडा देने वाला जानवर है। तो ये प्रोटोथेरिया में जो मोनोट्रमाटा है या प्रोटोथेरिया, ये अंडा देते हैं बेसिकली। तो ये एक मात्र ऐसा क्लास सब क्लास है या ऑर्डर है जो अंडा देता है, बाकी जितने भी मैमल्स है वो बच्चा पैदा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन, हम लोग की फीमेल जो होती है वो अंडा देती है, बच्चा पैदा करती है, तो बोलेंगे बच्चा पैदा करती है। हाथी अंडा देता है कि बच्चा पैदा करता है, बोलेंगे बच्चा। शेर, बाघ, सभी के सभी
बच्चा देने वाले होते हैं भीवी पेरस होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा है जो ओवी पेरस होता है, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। अब चूंकि ये देखने में लगते हैं रेप्टाइल जैसे, तो इनको कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनमें जितने भी एनिमल्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैटिपस, इनका बहुत बढ़िया एग्जांपल है प्लैटिपस। प्लैटिपस को देखेंगे तो प्लैटिपस के बॉडी में रेप्टाइलियंस करेक्टर्स भी पाए जाते हैं और मैमेलियंस करेक्टर्स भी पाए जाते हैं। जब आप ऑरिजिन ऑफ मैमल्स पढ़ेंगे ना, तो प्लैटिपस का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। मैमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपको प्लैटिपस से समझ में आएगा कि इसी से हुआ, ये सारी चीज़ें बता चलेगी आपको। तो मोनोट्रमाटा के एनिमल्स जो होंगे उनको माना जाता है कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। एग्जांपल में प्लैटिपस, प्लैटिपस को डक व्हेल भी कहते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इनके एग्जांपल को। अब आगे देखते हैं, इनमें जितने भी मैमल्स पाए जाएंगे मोनोट्रमाटा या प्रोटोथेरिया में, उनमें क्लोकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्लोकल ओपनिंग क्या होता है? जहाँ पर से अपना जो भी खाना खाए हैं ये लोग, खाना खाए हैं, पचाए हैं, निकालेंगे कहाँ से? क्लोकल अपर्चर से। ठीक है, क्लोकल ओपनिंग से निकालेंगे। हम लोग में एनस प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है, वहीं से ये निकालते हैं अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो भी खाना पचाए हैं या फिर अपना यूरिन निकालना हो, टॉयलेट निकालना हो, सब काम कहाँ से करते हैं ये लोग? क्लोकल अपर्चर से करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स ये लोग होते हैं। मेल्स हैव पॉइजनस ग्लैंड। इनमें जितने भी मेल्स पाई जाएगी, प्लैटिपस मेल जितनी भी होंगे, उनमें एक पॉइजनस ग्लैंड पाया जाएगा। ओनली मेल्स में पाया जाएगा, फीमेल्स में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो मेल्स हैव पॉइजनस ग्लैंड, और ये मात्र सिर्फ इसी ऑर्डर में देखा गया। बाकी जितने भी 99% मैमल्स हैं, उनमें इस तरह का फीचर नहीं देखा जाता है। और ज़्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पूरे दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन में ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाएंगे, बाकी अदर जगह पे नहीं पाए जाएंगे। थोड़े बहुत तास्मानिया वाले रीजन में पाए जाते हैं। तास्मानिया भी जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही है, तो बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लैटिपस। प्लैटिपस को हम लोग डक व्हेल भी कहते हैं। अभी डक व्हेल बस इसलिए कहते हैं, डक मतलब कुछ याद आ रहा है, बत्तख। हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं। प्लैटिपस को डक व्हेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो बिल होता है, बिल मतलब चोंच, क्योंकि उनका जो विल या वीक होता है वो डक जैसा होता है प्लैटिपस का। प्लैटिपस का पिक्चर देखिएगा ना, तो उनका एकदम चोंच बत्तख जैसा होगा, इसीलिए इनका नाम रखा गया है डक विल। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि डक जो है कौन से क्लास में आता है, क्लास एविस में आता है। तो इनमें कुछ एविस वाले करेक्टर्स भी आप देखी जाती है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है इकाइडना। इकाइडना भी जो है इनको बोलते हैं स्पाइनी एंटीटर। ये भी इनका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ज़्यादातर यही दो एनिमल्स जो है ना अभी इनके अंदर आते हैं, बाकी सभी एक्सटेंट हो चुके हैं। तो इकाइडना को स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं। स्पाइनी एंटीटर बस इसको इसलिए कहते हैं कि इनके जो शरीर पे जो हेयर प्रेजेंट होती है वो धार धार एकदम होती है, स्पाइन लाइक होती है, इसीलिए स्पाइनी एंटीटर इनको कहा जाता है। और इन्हीं सभी एनिमल्स को मोनोटम्स भी कहा जाता है कलेक्टिवली। अब दोनों को एक साथ बोलना हो तो मोनोटम्स बोल दीजिएगा, सब आ जाएगा। जितने भी इस ऑर्डर के अंदर एग्जांपल आएंगे सब इसमें आ जाएंगे, मोनोटम्स में। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मोनोट्रमाटा पढ़ रहे हैं ना, तो मोनोट्रमाटा में सारे मोनोटम्स आ जाएंगे। एक बहुत खास फीचर इनमें, चूँकि हम लोग मैमेलिया पढ़ रहे हैं, तो मैमेलियन में सभी जितने भी एनिमल्स होंगे, प्रोटोथेरिया ले लो या थेरिया ले लो, सभी में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। लेकिन प्रोटोथेरिया के मोनोट्रमाटा ऑर्डर में ऐसा देखा गया कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट थी, लेकिन उनमें जो निप्पल होता है जहाँ से मिल्क वगैरह निकलता है, निप्पल, लड़की लोग ज़्यादा रिलेट कर रही पाए, आप देखे ही होंगे, निप्पल समझ रहे होंगे, तो वो अब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें एक और ख़ास फीचर है। ठीक है, लेकिन बाकी अब हम देखते हैं अगला। ये सारे कुछ फीचर्स थे प्रोटोथेरिया या मोनोट्रमाटा, जो भी बोल लो, दोनों का एक ही फीचर्स होगा। अब ये पहला हमने कवर कर लिया। ठीक है, पहला ख़त्म हो गया, पहला सब क्लास आपका यहाँ पर ओवर होता है। दूसरे सब क्लास पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, जिसको बोलते हैं थेरिया। थेरिया के कुछ करेक्टर्स को देखते हैं। अब करेक्टर्स को अब जब मिलाएंगे ना, जो यहाँ पर पढ़े हैं ना, इसका ठीक उलट कर दीजिएगा इधर, बस आपका काम निकल जाएगा। प्रोटोथेरिया का
जो करेक्टर्स होगा उससे थोड़ा सा उलट करेक्टर्स इनमें देखी जाएगी। देखिए जैसे कि ये प्रिमिटिव था, ये प्रिमिटिव नहीं है। मॉडर्न डे जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं धरती पे, जितने भी मैमल्स आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट, रैट, ठीक है, श्री मतलब चुचुंदर, सभी जिनमें भी मेमोरी ग्रैंड पाई जाती है, जो धरती पे मैमल्स प्रेजेंट है वो मॉडर्न डे मैमल्स इनमें आ जाते हैं, थेरिया में। और थेरिया अपने आप में बहुत बड़ा सब क्लास है, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ये तो थोड़ा सा था, इसका मात्र एक ही ऑर्डर था तो ख़त्म हो गया जल्दी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होना जल्दी, आपको पता चलेगा, क्योंकि थेरिया के टोटल 16 ऑर्डर्स है। 16 ऑर्डर को आपको ध्यान में से पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इनके थोड़ा से कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। प्रिमिटिव, ये मॉडर्न डे मैमल्स, ये रेप्टाइल्स लाइक दिखने में लगते थे, लेकिन ये रेप्टाइल्स लाइक दिखने में नहीं लगते, सीधी सी बात है, ये मैमल्स हैं और ये मैमल्स ही है, ये किसी और से दोस्ती नहीं करते हैं। ये रेप्टाइल्स को कनेक्टिव लिंक में रेप्टाइल्स इनको कहा जाता था, क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह दिखने में लगते थे, लेकिन ये अपने आप में एक मैमल्स है, मॉडर्न डे मैमल्स है, तो ये इनको कह सकते हैं ये रेप्टाइल्स जैसे नहीं है। ये एग लेइंग एनिमल्स थे, मतलब ओविपेरस एनिमल्स थे, अंडा देने वाले जानवर थे, लेकिन जितने भी थेरिया में आ जाएंगे वो विवीपेरस होंगे, यानी वर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, बच्चा देने वाले मैमल्स होंगे, जैसे कि ह्यूमंस, एलिफेंट, टाइगर, कैट, रैट, सबको देख लो ना, सब क्या देते हैं, सब बच्चा देते हैं, विवीपेरस होते हैं। अगला देखते हैं, ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन था लेकिन ये नहीं है। एग्जाम्पल में प्लेटिपस, यहाँ पर तो एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो यार, डॉग, लायन, बैट, चमगादड़ भी एक तरह का थेरिया में ही आ जाता है। क्लोकल ओपनिंग प्रेजेंट, इनमें क्लोकल ओपनिंग प्रेजेंट था, जहाँ से अपना यूरिन और जो भी अपना खाते पचाते थे वो निकालते थे, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई रहती थी इनकी। लेकिन हम लोग जो हैं थेरिया में एनस पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है, एनस से हम लोग खाते पचाते जो निकालते हैं, ठीक है, और पेनिस से हम लोग अपना यूरिन निकालते हैं टॉयलेट, तो ये भी एक अलग करेक्टर है। इनमें मेल्स हैव पॉइजनस ग्लैंड पाया गया था, ठीक है, प्रोटोथेरिया के जानवर मोनोट्रामाटा में ऐसा पॉइजनस ग्लैंड इनके मेल में पाए गए थे, लेकिन ऐसा थेरिया में नहीं देखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इनके एग्जाम्पल है, आप भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, थेरिया ऑल ओवर वर्ल्ड सभी जगह पाया जाता है। गाय देख लो यार, गाय कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, सब जगह गाय मौजूद है। भैंस ले लो, भैंस कुछ रीजन में मौजूद है, चमगादड़ ले लो, माउस ले लो, चूहा तो सब जगह मिलता है, तो ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके। बाकी देखिए, निप्पल वहाँ पर एबसेंट थी, निप्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। आप जानते ही होंगे जितने भी मैमल्स है, आपने हाथी वगैरह को नहीं देखा होगा लेकिन ह्यूमन का तो देखा होगा, निप्पल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो हम, ये तो हमारा हुआ क्या, पहला थेरिया का हमने जनरल करेक्टर समझे, करेक्टरिस्टिक समझे, अब इनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो दूसरे सब क्लास थेरिया का फर्दर दो डिवीज़न किया जाता है, दो इन्फ्रा क्लासेस इनकी होती है। पहला इन्फ्रा क्लासेस का नाम होता है मेटाथेरिया, एंड दूसरे इन्फ्रा क्लासेस का नाम होता है यूथेरिया। तो थेरिया के दो डिवीज़न करी गई, दो इन्फ्रा क्लासेस में इनको बांटा गया। सबसे पहले हम लोग मेटाथेरिया को समझते हैं। मेटाथेरिया में मात्र एक ही ऑर्डर मिलेगा, इसमें मात्र एक ही ऑर्डर पढ़ना है आपको, तो और ये काफ़ी छोटा हो जाता है क्योंकि एक ही ऑर्डर है। चलिए देखिए, मेटाथेरिया ख़त्म करते हैं, और ये यूथेरिया है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, दूसरा इन्फ्रा क्लास है, ये 16 ऑर्डर पढ़ना है इसमें। तो पहले मेटाथेरिया को ख़त्म करते हैं। तो मेटाथेरिया के कुछ एग्जांपल्स करेक्टर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। मेटाथेरिया में सिंगल्स ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है ऑर्डर मार्सुपीलिया। मार्सुपीलिया एकमात्र इसमें ऑर्डर है। और जब भी मैं मेटाथेरिया बोलूँ, कंगारू का दिमाग में बना लेना पिक्चर, क्योंकि इनमें कंगारू के बारे में ही पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए, कुछ करेक्टर्स मैं गिनवाता हूँ जो कंगारू में मिलेगा। कंगारू किस तरह का जानवर होता है, विवीपेरस एनिमल होता है, और यहाँ पर मेटाथेरिया का भी देखिए विवीपेरस करेक्टर्स है, तो कंगारू वाला करेक्टर्स यहाँ पर सब मिल जाएगा। कंगारू अपने बच्चे को जन्म देती है ना, थोड़ी अंडा देती है, तो विवीपेरस होंगे, मतलब यंग वन को वर्थ देंगे। इनके मदर में जितनी भी फीमेल्स होती है,
फीमेल्स मेटाथेरियन मैमल्स जितने भी होंगे उनके मदर में पाउच पाया जाता है, उनके पेट में पाउच लगा हुआ होता है, और उसी पाउच में ये अपने जो नए नए नवजात शिशु को इन्होंने जन्म दिया है, इमैच्योर, जो अभी तक मैच्योर नहीं है, इमैच्योर यंग वन को जन्म दिया है, उसी पाउच में रख करके ये उनका नरिशमेंट करते हैं और उनको मैच्योर बनाते हैं। तो इनके अंदर एक खास फीचर देखी गई मेटाथेरियन मार्सुपिलियंस में कि पाउच देखा गया, और उसी पाउच का साइंटिफिक नाम है मार्सुपियंस। मार्सुपियंस उसी पाउच को कहते हैं। फिलहाल आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा जब पिक्चर देखेंगे। चलिए पिक्चर हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं ये किसका फोटो है, तो बोलेंगे कंगारू का फोटो है, और कंगारू के पेट में देखिए एक तरह का पाउच पाया गया है, मदर पाउच। ये फीमेल है और ये मदर में पाउच पाया गया है, ठीक है, और पाउच में अपने बच्चा को ये घुसाई हुई है, और इसका बच्चा जो है नवजात शिशु है, मतलब इमैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, नया पैदा हुआ ये। तो ये जब तक ये मैच्योर ना हो जाए उसको ये इन्हीं में रखती है, और इनके पाउच के अंदर निप्पल्स प्रेजेंट होता है, निप्पल से फिर ये लोग मिल्क फीडिंग करती है, नरिशमेंट करती है और मैच्योर बनाती है, प्रीडेटर से बचा के रखती है। और यहाँ पर इनका जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है इनका बच्चा, इसको बाहर फेंक के निकाल देती है, बोलते जाओ खेलो फुटबॉल, तो इस तरीके से होता है यार, ध्यान रखिएगा। और ये कंगारू कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं? कंगारू सुनते ही हमारे दिल में ख्याल आता है ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम कंगारू, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है ये। अब इनके बॉडी के आधार पे आप बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हैं, इनका जो टेल होता है लॉन्ग होता है, ठीक है, इनके बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका जो माउथ होता है स्नॉट टाइप का होता है। आप इनके पिक्चर के एनालिसिस करिएगा ना, तो यहाँ पर 10 करेक्टर आपको दिख जाएंगे। फिलहाल तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि इनके मदर के पाउच में मदर में पाउच पाया जाता है जिसको मार्सुपियंस कहते हैं, और वहीं पे ये फीडिंग करते हैं, इमैच्योर को मैच्योर बनाते हैं, वहाँ पे निप्पल प्रेजेंट होता है इनके मार्सुपियंस, इनके पाउच में, ठीक है, पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनके बॉडी पे हेयर्स पाई जाती है, नो डाउट हेयर्स पाई जाएगी। इनके कान होते हैं, आप अभी देखा ना, इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं जिसको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है, आपके भी तो एक्सटर्नल ईयर है, छूते हैं आप कान को, वो क्या है, पिन्ना है ना, तो इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर देखी गई। तो इन एनिमल्स में, इन मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होती है जिसको पिन्ना कहते हैं, जो कि बेल डेवलप होती है। इनमें लॉन्ग टेल होता है, ठीक है, और लॉन्ग टेल जो होता है प्रेहेंसाइल होता है, मतलब मूवेबल होता है, ओके, और जो कि इनका जो टेल है बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो टेल का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है मैकेनिज्म में, कंगारू में इनके बॉडी को बैलेंस रखने में टेल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्री मैच्योर, जो मैच्योर अभी नहीं है उसको बर्थ दिए, अब मार्सुपियल्स में रखें, वो मैच्योर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, जितने भी कंगारू देखेंगे वो हर्बी बोरस टाइप के कंगारूज होते हैं, और कुछ कुछ कार्निबोरस भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना मेटाथेरिया में सिर्फ कंगारू ही आते हैं, मेटाथेरिया में और भी एनिमल्स है यार, उनको भी तो देख लो। कंगारू बस मैंने इसलिए बताया कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए, ध्यान में रखने के लिए इसलिए बोला। मेटाथेरिया में और भी मैमल्स हैं, उनमें क्या देखा गया, कंगारू हर्बीवोरस भी होते हैं और कुछ एनिमल्स कार्निबोरस भी होते हैं, मांसाहारी शाकाहारी दोनों इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनका हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पर होगा। तो इतने तो आप बकलोल नहीं है, कंगारू को कभी पानी में तैरते नहीं देखे, कंगारू जो है ज़मीन पे ही रहता है, तो ट्रेस्ट्रियल इनका हैबिटेट होता है, ठीक है। इनका जो स्कल होता है खोपड़ी, उनमें एक सॉरी डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब दो ऑसिपिटल कोंडाइल पाए जाएंगे, कोंडाइल जो प्रेजेंट होता है एकदम खोपड़ी के नीचे वाला भाग, वहाँ पे दो ऑसिपिटल कोंडाइल इनके स्कल में देखी जाती है। तो डाइकोंडाइलिक टाइप के एनिमल्स होते हैं। इनका जो पेनिस होता है बाइफिड होता है, पेनिस बाइफिड होता है, मतलब दो पार्ट्स में ऐसे कटा हुआ रहता है। अब देखिए इनके जितनी भी फीमेल्स थी, इनमें जितनी भी फीमेल्स पाई जाएगी उनमें दो वजाइना पाया जाएगा, दो वजाइना एंड दो यूटेरस पाई जाती है फीमेल्स में सिर्फ, क्योंकि वजाइना फीमेल्स में ही तो पाई जाती है, ध्यान रखना मेल में मत घुसवा देना। अब देखते हैं इनके प्लेसेंटा में रूडिमेंट्री योल्क सेल्स पाई जाएगी, मतलब योल्क सेल्स पाई जाती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, छोटा मात्रा में पाया जाता है। तो इनके प्लेसेंटा में योल्क सेल्स पाई जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा के अंदर ही तो बच्चे का ग्रोथ होता है, जानते हो ना प्लेसेंटा क्या होता है, आई होप जानते होगे। इसमें एग्जांपल्स कंगारू हो गया, जितने भी मार्सुपियल्स होंगे एनिमल्स वो इनमें आ जाएंगे,
वोमवैट्स भी इन्हीं का एग्जांपल है, और तस्मानियन डेविल्स, ये इनके कुछ एनिमल तस्मानियन रीजन मतलब ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे वाला जो आइलैंड है उसको बोलते हैं तस्मानिया, ठीक है, तो वहाँ पे भी पाई जाती है। तस्मानियन डेविल्स एक जानवर का नाम है, ओपसम्स इन्हीं का एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला इन्फ्रा क्लास जो था, पहला इन्फ्रा क्लास हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक ही ऑर्डर था तुरंत ख़त्म हो गया। अब दूसरे इन्फ्रा क्लास में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना है, यहाँ पर दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है। 16 ऑर्डर्स में हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन भंग हो जाए, लेकिन दिमाग खोल के बैठिएगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं यूथेरिया होते क्या है। तो यूथेरिया के कोई जनरल करेक्टर्स नहीं हैं, मतलब जनरल करेक्टर्स इनके हैं, चलिए इसका जो हम करेक्टर समझेंगे ना, इनका सभी का करेक्टर करेंगे, दो चार, इसका एक करेक्टर इसमें घुसा देना, इसका एक करेक्टर इसमें घुसा देना, इसका कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं देखना है। आप करेक्टर जब इतना 16 ऑर्डर का करेक्टर पढ़ेंगे तो ये इसका करेक्टर अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यूथेरिया के टोटल 16 ऑर्डर है, मैंने बताया 16 ऑर्डर आपको सामने है। सबसे पहले है इंसेक्टिवोरा, सबसे पहले इंसेक्टिवोरा है, फिर है क्राइप्टेरा, डर्मोप्टेरा, एडेंटाटा, रोडेंसिया, प्रीमेट्स, ट्यूबलीडेंटाटा, फोलिडोटा, ठीक है, लैगोमोर्फा, कैटिशिया, साइरिनिया, कार्निवोरा एंड हाइड्रोशीडिया। हाइड्रोशीडिया बहुत सारे नाम है यार, प्रोवोशीडिया, पेरिशोडेक्टाइला, ठीक है, आर्टियोडेक्टाइला। ये क्या है, टोटल इनके 16 ऑर्डर्स दिए गए हैं और 16 ऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, ठीक है, तो एक एक करके सबको समझेंगे। इनका ट्रिक, बहुत सारे लोग को याद करने में कन्फ्यूज़न हो जाता होगा, इतना ज़्यादा नाम है, 16 ऑर्डर कौन याद करेगा, भूल जाते हैं। तो इनका ट्रिक बस आप ही बना सकते हैं, जब तक आप इनके प्रोनाउंसिएशन को 5-5 बार नहीं पढ़ेंगे। जैसे इंसेक्टिवोरा है तो इंसेक्टिवोरा को 5 बार पढ़िए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जब तक आप इन सभी का अच्छा नहीं होगा आप इनको याद कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा से कार्निवोरा याद हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे नाम है, ठीक है, जो इंसेक्ट खाने वाले जानवरों को उनको इंसेक्टिवोरा कहते हैं, जो कार्निवोरस मांस खाने वाले जानवर को कार्निवोरा कहते हैं। तो ये दोनों इंसेक्टिवोरा वोरा वाला याद हो जाएगा दोनों, ठीक है, रिलेट करके याद कर लेंगे। दो तो याद हो गया, बचा अब 14 बचा, 14 ऑर्डर और बच गया। देन आपको यहाँ पर आर्टियोडक्टाइला एंड पेरिसोडक्टाइला, डक्टाइला डक्टाइला वाला दो नाम दिख रहा होगा, तो इन दोनों को एक साथ में याद कर लीजिएगा, ग्रुप बना के याद करिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चार आपको ऐसे याद हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, नहीं याद आ रहा हो ना, तो सबसे पहले देखना है वोरा वोरा वाला कौन सा था, तो इंसेक्टिवोरा था एंड कार्निवोरा था, फिर डक्टाइला डक्टाइला वाला कौन सा था, तो आर्टियोडक्टाइला था एंड पेरिशोडक्टाइला था। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे इनको याद किया जा सकता है, बाकी सेम वैसे ही, इसमें भी टेरा है, इसमें भी टेरा है, तो ये सभी चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है, सभी में नाम प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा। ये लेगोमोर्फा जो रैबिट होता है वो उसको लेगोमोर्फा बोलते हैं, जो भी आपने रैबिट खरगोश पाला होगा उसको। प्रीमेट्स में तो हम लोग ही आ जाते हैं, इसको कभी मत भूलना भाई, प्रीमेट्स में ह्यूमंस आते हैं, बंदर्स आते हैं, तो प्रीमेट्स को कभी मत भूलना, अपने आप को कभी मत भूलना। बाकी रोडेंसिया में आर से रैट होता है, आर से चूहा होता है, तो रोडेंसिया याद हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी आपको याद करने हैं। ये सभी में वेल्स वगैरह जो पानी में रहने वाले जानवर है वो आ जाते हैं। चलिए ट्रिक अपना बना लीजिएगा अपने बेसिस पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। आगे आप समझते हैं, अब देखिए एक एक करके सबके पढ़ें। इंसेक्टिवोरा, अब जैसा कि इनके नाम में इंसेक्टिवोरस लगा हुआ है, तो ये जितने भी इनमें मेमल्स पाई जाएगी वो इंसेक्टिवोरस एनिमल होंगे, यानी इंसेक्ट ईटर होंगे, इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स होंगे, ठीक है, इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स होंगे। और इनके बॉडीज़ को देखिए, इनके बॉडीज़ के बेसिस पे भी इनका करेक्टर्स लिखा जा सकता है। जैसे कि इनका जो होता है स्नाउट, जो होता है मुंह, जो होता है ऐसा एकदम नुखीला टाइप होगा, ट्रायंगल टाइप का ऐसे निकला हुआ होगा मुंह, स्नाउट बना हुआ होगा, देखिए इनका मुंह जो है नहीं निकला हुआ है बाहर, ऐसे नुखीला टाइप का, हम लोग का मुंह नुखीला टाइप का ऐसे बाहर है क्या, बोलेंगे नहीं है। तो ये लोगों का मुंह जो होता है नैरो होता है, पतला होता है, स्नाउट टाइप का होता है, निकला हुआ होता है, कोनिकल टाइप का। इनके
पंजड़े बहुत ही शार्प होते हैं, शार्प क्लाउस एंड पेंटाडेक्टाइल्स एनिमल होते हैं, मतलब पांच डिजिट पाई जाती है, पांच उंगलियां पाई जाती है इनके पंजड़े में लगे हुए होते हैं। तो इनका पंजड़ा कैसा होता है, शार्प होता है और पांच डिजिट होता है। और ये जितने भी इनमें एनिमल्स आ जाएंगे, जितने भी इंसेक्टिवोरस एनिमल्स होंगे, वो छोटे छोटे जानवर इनमें देखे जाते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, और ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होंगे। मतलब यूथेरिया में भी सबसे पहले कौन आया, यूथेरिया में भी सबसे पहले मेमल्स कौन आया, तो बोलेंगे इंसेक्टिवोरा। लेकिन मैं बोलूँ ऑल ओवर मैमल्स में सबसे पहले कौन आया, तो अब ध्यान रखिए प्रोटोथेरिया वाला जो था वो वाला था, सबसे पहले वो आया था, लेकिन यूथेरिया में सबसे पहले ये आया था। इंसेक्टिवोरा में इतना लिख सकते हैं, और इसमें ये लिख सकते हैं इंसेक्ट इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट फीडर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, रात में जागने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, रात में ये जागते हुए आपको मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल इनका हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इनका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्रायोप्टेरा, क्रायोप्टेरा को समझते हैं। तो क्रायोप्टेरा यहाँ पर आ, तो क्रायोप्टेरा जितने भी एनिमल्स होंगे, बीच वाला देखिएगा, क्रायोप्टेरा जितने भी एनिमल्स होंगे वो विंग्ड होंगे। विंग मतलब क्या होता है, पंख, जिनमें पंख पाई जाएगी। तो बोल सकते हैं ना ये वैसे मैमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, फ्लाइंग मैमल्स होते हैं ये जनरली, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है, और ये कैपेबल होते हैं फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए इनमें ऐसे क्षमता पाई जाती है। अब ध्यान देखो कौन सा ऐसा मैमल्स है जो उड़ सकता है, तो बोलेंगे सर वैट, बैट में मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, तो मैमल्स कह सकते हैं इनको, और इनमें वर्ड जैसा फीचर पाया जाता है उड़ने वाला, चमगादड़ को उड़ते देखे होंगे। अब कब देखे होंगे, तो बोलेंगे रात में। तो ये किस तरह के एनिमल होंगे, नॉक्टर्नल एनिमल होंगे, रात में ये जागते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि चमगादड़ का जो आँख होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, विज़न बहुत कम हो ख़राब होता है इन लोगों का, तो बिग विज़न आइज़ इनमें पाई जाती है, ठीक है, पेयर ऑफ आइज़ पाई जाएगी, लेकिन बहुत कमज़ोर आइज़ पाई जाएगी, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। इनका जो फोरलिम्स होता है, बच्चा जब रहता है ना, चमगादड़ जब बच्चा रहता है तो उनके चार लिम्स पाई जाएगी, दो फोरलिम्स एंड दो हिंड लिम्स। और जो आगे वाला हाथ पैर होगा, हाथ होगा, वो क्या होगा, आगे वाला फर्दर, जैसे जैसे ये चमगादड़ बच्चा से एडल्ट के रूप में आता है, मॉडिफाई करता है अपने फोरलिम्स को, मॉडिफिकेशन करके विंग बना लेता है, इनका हाथ जो होता है ना पर बन जाता है, ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है। तो इनमें ये भी लिख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जानवर्स होते हैं और उड़ने वाले जानवर्स होते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। इनका जो टीथ होता है वो भी स्मॉल होता है लेकिन बहुत ही शार्प होता है, ठीक है, टीथ स्मॉल होगा लेकिन बहुत ही शार्प होगा। इनके ईयर्स पाई जाती है, एक्सटर्नल ईयर इनमें देखी गई है, तो इनमें भी एक्सटर्नल ईयर पाई जाती है, जो कि पिन्ना इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज होता है, लेकिन इनका जो कान होता है बहुत लार्ज होता है। हर ये नॉक्टर्नल होते हैं, बैट इसका बेस्ट एग्जांपल है। मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को पैटागियम भी कहा जाता है, जब फोरलिम विंग में चेंज हो जाए, ठीक है। और इसके दो फिर सब ऑर्डर डिवाइड किए गए हैं, क्रायोप्टेरा के दो सब ऑर्डर हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा ऑर्डर, और दूसरे ऑर्डर के दो सब ऑर्डर हैं, ठीक है, दोनों सब ऑर्डर का नाम है मेगा एंड माइक्रो, मेगा क्रायोप्टेरा, माइक्रो क्रायोप्टेरा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं घुसना है, ओके। ये हमारा थर्ड ऑर्डर है, इनमें जो लिम्स पाई जाएगी, दो हाथ दो पैर, चारों लिम्स जो पाई जाएगी बचपन में या फिर बड़े में, वो इक्वल साइज लिम्ब पाई जाती है, चारों एकदम बराबर होंगे। के जो पंजड़े होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और निडल टाइप के होते हैं भाई, सबसे मेन टाइप, ऐसे नुकीली टाइप के इनके पंजड़े पाए जाते हैं, ऐसे पेट में करेंगे फाड़ उड़ के निकल जाएगा आपका पेट, इतना ज़्यादा निडल टाइप का होता है, बच के रहिएगा इनसे, ठीक है। ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये भी रात में जागने वाले होते हैं इनकी तरह, और ट्रीज पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये, ठीक है। इनका जो हैबिटेट होगा एरबोरियल होगा, मतलब जो एनिमल्स ट्रीज पे रहना पसंद करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल या एरबोरियल भी बोल सकते हैं। और ये ग्लाइडिंग मैमल्स होते हैं, मतलब ग्लाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो ग्लाइडिंग मैमल्स इनको कहा जाता है। इनमें फ्लाइंग लेमूर का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, फ्लाइंग लेमूर को देखेंगे तो वो ग्लाइडिंग करता है, ऐसे हवा को चीरते हुए एकदम उड़ते हुए ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मैकेनिज्म इनमें देखी जाती है। एग्जांपल में आप लोग फ्लाइंग लेमूर को ले सकते हैं, या फिर साइनोसिफेलस भी इसका एग्जांपल है, लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में साइनोसिफेलस,
जो कि ये ज़्यादातर इनके एनिमल जो होंगे साउथ एशिया में पाए जाएंगे, एशिया के साउथ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो हमने 3 ऑर्डर ख़त्म कर लिए, एक मिनट मिला लेते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आते हैं इडन टाटा पे। इडन टाटा में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इनके जितने भी मैमल्स इनमें पाई जाएगी, रखी गई है इस ग्रुप में, उनमें क्या देखा गया है कि उनका जो टीथ होता है एब्सेंट होता है, मतलब टीथलेस एनिमल्स होते हैं ये, और इनके जो होते हैं रिड्यूस टू मोलर। अगर देखिए, दो कंडीशन इनमें हैं, या तो पूरी तरीके से एब्सेंट होगी, या फिर प्रेजेंट होगी भी तो मोलर बस होगी, ठीक है, रिड्यूस टू मोलर। एंड इनामिल जो होता है एब्सेंट होता है। इनके पंजड़े बिल डेवलप होते हैं, पंजे जो क्लाउज होते हैं बेब्ड होते हैं, ठीक है। और इनमें एग्जांपल्स में लिख सकते हैं स्लॉथ्स एंड टीटर्स, इनके बेस्ट एग्जांपल है। क्या? स्लॉथ एंड टीटर्स। ये हो गया 4th ऑर्डर एडन टाटा पे। अब आते हैं 5th ऑर्डर फोलियोडोटा पे। अब फोलियोडोटा के जितने भी एनिमल्स मैमल्स इनमें रखे गए हैं, उनमें देखेंगे उनके बॉडी पे एक खास फीचर पाई जाती है, रेप्टाइल्स की तरह इनके बॉडी पे भी स्केल्स पाया जाता है। बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? स्केल, स्किन के ऊपर। ओके, ये ध्यान रखिएगा, स्केल का कवरिंग प्रेजेंट होता है। ओवरलैपिंग का सीधा सा मतलब होता है एपिडर्मल, यानी स्किन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है स्केल वो वाला। ये जितने भी फोलियोडोटा एनिमल्स होंगे वो टूथलेस एनिमल होंगे, मतलब टीथलेस होंगे, दांत नहीं पाई जाएगी। इनका जो टंग होगा, जीव, वो लंबा लंबा टंग होगा, जो कि इनका टंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और प्रोट्रोसाइवल होता है। कहने का मतलब, लंबा टंग, प्रोट्रोसाइवल टंग, ऐसे फेंक के जीव मारेंगे और इंसेक्ट को पकड़ लेंगे, इस तरीके का जीव होता है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट को कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इनका जीव। एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं, अस्केली एंटीटर्स इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। अस्केली एंटीटर्स को ही पैंगोलिन्स भी कहा जाता है, अस्केली एंटीटर्स को ही पैंगोलिन्स कहा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं ट्यूबली डेंटाटा को समझते हैं, ठीक है। ट्यूबली डेंटाटा जो होगा, इनमें भी टंग जो होगी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ टंग पाई जाती है, सिलेंडर समझते हो, उस तरह की टंग पाई जाती है। इनके जो जबड़े होते हैं जॉ में, इच जॉ, दो जॉ पाई जाएगी पैर में, और उनमें 4 से 5 टीथ होगी, दोनों ऊपर वाले जॉ में भी 4-5 टीथ होगी, नीचे वाले जॉ में भी 4-5 टीथ होगी। 4-5 टीथ में सिर्फ इंसिजर इनामेल जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके दांत में इंसिजर इनामेल नहीं प्रेजेंट होता है। इनका जो बॉडी का स्किन होता है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, और उनके बॉडी पे हेयर भी पाई जाती है। इनका जो प्लेसेंटा होता है वो जोनरी टाइप का प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जोनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके का होता है। यानी प्लेसेंटा जो है ना, वो रिंग के समान अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को बोलते हैं जोनरी प्लेसेंटा। इनके जो ईयर, एक्सटर्नल ईयर इनमें देखी जाती है, और इनका जो ईयर होगा वो पॉइंटेड ईयर पाया जाता है, नुखीलेधार ईयर कान देखे जाते हैं, और लंबे लंबे कान होते हैं इन लोगों के। देखिए इनके कुछ एग्जांपल है, कैप एंटीटर्स इनका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में ये पाया जाता है। कैप एंटीटर्स आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा। तो ये हुआ, अब अगले ऑर्डर पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, प्रीमेट्स। प्रीमेट्स को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें हम लोग आते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ और ऑर्डर से उनको देख लेते हैं, जैसे कि रोडेंसिया। रोडेंसिया में चूहे आ जाते हैं, R4 rat, R4 rodentia। रोडेंसिया में मैमल्स का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? पूरे मैमल्स का सबसे बड़ा ऑर्डर होता है रोडेंसिया, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द मैमल्स। और जितने भी चूहे देखेंगे वो छोटे छोटे, तो उनके बॉडी जो होती है स्मॉल होती है, और ग्रोविंग होती है, मतलब कहने का मतलब, ग्रेविंग मतलब होता है कुतरना, ठीक है, कुतर कुतर के खाने वाले जानवर होते हैं ये। लॉन्ग रूटलेस इंसीजर पाई जाती है, मतलब इनमें इंसीजर दांत पाई जाएगी, जो कि लंबी लंबी होगी, कुतरने में यही मदद करती है, रूटलेस होती है। ओके, इनमें कैनाइंस टीथ एब्सेंट होता है, और इनका जो पंजड़ा होता है उनमें अंगुलियां पाई जाती है, ठीक है, चूहे के भी अंगुलियां होती है, तो डिजिट्स प्रेजेंट होता है क्लॉज में, ठीक है। इनके एग्जांपल है माइस, रैट, वोल्स, स्क्विरल्स, वीवर्स, ये सभी क्या है, इनके एग्जांपल है रोडेंसिया के, ठीक है। अगले हम लोग देखते हैं कार्निवोरस को देखते हैं। कार्निवोरा नाम से ही पता चल रहा है, कार्निवोरस एनिमल्स जो फ्लेश ईटर होंगे, तो इनका फीचर को आप मिलाएंगे तो वही सारी चीज़ें लिखी गई है। फ्लेश ईटिंग मैमल्स इनमें आएंगे, जो मांस खाने में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे कि चीता हो गया,
लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सभी क्या खाते हैं? फॉक्स हो गया, लोमड़ी, जंगली लोमड़ी, ये सभी क्या खाते हैं? तो ये कार्निवोरस एनिमल हुए ना, और ये बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि जंगल का राजा लायन बड़ा है, इनका बॉडी साइज कैसा है, बिग प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स इनका नेचर होता है, मतलब मार के ही खाएंगे, दूसरों को हंट करके ही खाएंगे, तो प्रेडेटर्स नेचर में होते हैं। और इनका जो क्लाउड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होता है, इनका जो पंजड़ा होता है ना, शेर का पंजड़ा देखो ना, काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होगा पंजा, कितना ज़्यादा जाएंगे उनके पास में तो समझ में आएगा, अपने पंजड़े से आपको नकोच लेंगे। और इनके पंजड़े में अंगुलियां भी पाई जाती है, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इनमें डिजिट्स पाई जाती है। इंसीजर जो इनका होता है, इंसीजर दांत, तो वो इंसीजर इनका स्मॉल होगा, लेकिन कैनाइन इनका लार्ज होगा। अमोलर जो होगा कटिंग टाइप का होगा, निडल टाइप का होगा, कट करने में मदद करता है। तो ये तीनों जो टीथ के टाइप से ध्यान रखिएगा, इंसीजर स्मॉल, कैनाइन लार्ज, मोलर कटिंग। इनके ऑल ओवर वर्ल्ड 200 निवासी, लगभग 280 स्पीसीज पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड इस कार्निवोरस ऑर्डर के। इनमें एग्जांपल हैं डॉग्स, कुत्ता, टाइगर्स, फॉक्स, भालू, चीता, ठीक है, बेलारूसिस। बेलारूसिस जो है उनके बारे में समझते हैं क्या है। रैकून्स भी इसका एग्जांपल है। देखिए कार्निवोरस के फर्दर दो ऑर्डर सब ऑर्डर्स होते हैं, दोनों सब ऑर्डर के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, फिसिपीडिया एंड पिनिपीडिया। फिसिपीडिया में जितने भी हमने पढ़े हैं, डॉग हो गया, जितने भी टेरेस्ट्रियल रीजन पर रहने वाले कार्निवोरस मैमल्स हैं सब इनमें आ जाते हैं पहले सब ऑर्डर में। दूसरे सब ऑर्डर पिनिपीडिया में आ जाते हैं जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल्स जो होंगे वो दूसरे सब ऑर्डर में आ जाएंगे, मैराइन वाटर में। चूँकि ये मैराइन में है तो तैरने के लिए पैडल भी होना चाहिए, तो इनका जो फोर लिम्स होता है, ठीक है, जो लिम्स होता है, जैसे ये बच्चा रहते तो लिम्स रहता है, लेकिन फर्दर ये जब एडल्ट में आते हैं तो उनका लिम्स पैडल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, पैडल बन जाता है, और उसी के माध्यम से ये पैडल मार मार के तैरते हैं, लोकोमोशन करते हैं मैराइन वाटर में, खारे पानी, समुद्र में, ठीक है। इसका बिग एग्जांपल है बैलरूस, ठीक है, बैलरूस को हम लोग ओडोविनस भी कहते हैं, और कॉमन सील भी इसका एग्जांपल है। ये दोनों पानी में पाए जाने वाले कार्निवोरस एनिमल हैं। अगला ऑर्डर है साइरेनिया, एक्वेटिक एनिमल होंगे ये, जितने भी इनमें मैमल्स पाए जाएंगे वो एक्वेटिक मैमल्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक, और एक्वेटिक होंगे तो क्या चाहिए भाई, पैडल चाहिए, पैडल मार मार के ही तो तैरेंगे, तो इनमें पैडल प्रेजेंट होती है। और पैडल कहाँ से बनता है, तो मैंने बार बार बोला, इनका पैडल जो बचपन में लिम्स होता है वही, जैसे ये एडल्ट फेज में आते हैं तो वही लिम्स मॉडिफाई करके पैडल बन जाता है, ठीक है, तो पैडल प्रेजेंट होती है। इनमें हिंड लिम्स नहीं पाई जाती है, जो पीछे वाला पैर होता है, पीछे वाला जो लिम्स होता है, ठीक है, वो अब्सेंट होता है, हिंड लिम्स नहीं पाई जाती है। और जितने भी इनमें एनिमल्स आएंगे साइनिया में वो हर्बीवोरस होंगे, शाकाहारी जानवर होंगे, इनमें एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होती है। इनका जो टेल होता है वो फ्लैट होता है, कैसा होता है, टेल एकदम चपटा होगा, फ्लैट टाइप का होगा, और ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया में भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये पानी वाले एनिमल है, और पानी से जब मन उग जाता है तो कोस्टल एरिया, पानी के तट वाले जितने भी एरिया हैं, पानी के किनारे जितने भी शहर हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आहा हा हवा ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में डूगोंग हैं एंड मैंटी है, बेस्ट एग्जांपल है, ये पानी में पाए जाने वाले मैमल्स होते हैं दोनों, ठीक है। डूगोंग को हम लोग हेलिकोर भी बोलते हैं, एंड मैंटी को हम लोग ट्राई की कोस भी बोलते हैं। अगला जो ऑर्डर है कटिशिया है, कटिशिया में जितने भी बड़े बड़े जानवर आप देखते हैं पानी वाले सब इसमें आते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल, गैंगेटिक डॉल्फिन, क्या है, इसी के तो एग्जांपल हैं, ऐसा मत मार देना, गैंगेटिक डॉल्फिन फिश का एग्जांपल है, वो फिश नहीं होता है भाई, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर ब्लू व्हेल सब मैमल्स हैं, ठीक है, इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कैटेशिया देखिए, ये बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल्स कौन है, छोड़ दो बताओ, बोलेंगे ब्लू व्हेल है ना, तो लार्ज होते हैं और मरीन होते हैं, एक्वेटिक टाइप के इनका हैबिटेट होता है, एक्वेटिक रहने वाले खारे पानी में रहते हैं, ध्यान रखना मरीन में ही पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं। हेयर ना के बराबर पाई जाती है, मतलब फ्यू हेयर ऑन स्किन, जब जाके हम सामने से देखेंगे ना एकदम सट के, तब आपको पता चलेगा हाँ इसके स्किन पे थोड़ा थोड़ा हेयर है, लेकिन दूर से देखेंगे तो लगेगा हेयर तो है ही नहीं इनके स्किन पे, एकदम पूरा चिकना है। ये हैं एक्वेटिक एनिमल, पैडल तो चाहिए भाई तैरने के लिए, तो इनमें भी पैडल होता है, और इनका पिक्टोरल लिम्स मॉडिफिकेशन करता है, एडल्ट में जब आते हैं तो वही पैडल्स बन जाता है, पैडल्स को ही फ्लिपर्स कहते हैं,
फ्लिप कर करके लोकोमोशन करते हैं। इनका जो हिंडलिम्स होता है, इनके अंदर हिंडलिम्स पीछे वाला जो लिम्ब होता है वो पंजे ब्लू व्हेल के पंजे देखें कभी नहीं देखे हुए, तो क्लॉज एंड एक्सटर्नल एयर, इनके कान बाहर निकले नहीं होती है तो एक्सटर्नल एयर होता है, सभी एब्सेंट होता है, तीनों का तीनों एब्सेंट होगा। फर्दर कैटेशिया को दो सब ऑर्डर होते हैं, एक होता है ओडोंटोशेट्टी एंड एक होता है माइजोटोशेट्टी। यहाँ पर कट गया है तो आप लोग लिख लीजिएगा, CETI है लास्ट में। ओडोंटोशेट्टी में जो जितने भी जिनमें टूथ पाई जाएगी, वैसे वेल जिनमें दांत प्रेजेंट होती है, बस इतना ध्यान रखना है, बस आपको दोनों ऑर्डर के नाम याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्राइमेट्स को समझते हैं। प्राइमेट्स काफ़ी इजी हो जाएगा, अपने बॉडी को एनालिसिस करो और इसमें सारे करेक्टर्स लिख दो। जैसे कि देखिए, प्राइमेट्स में जितने भी एनिमल पाए जाएंगे, जैसे कि बंदर हो गया, एप्स हो गया, चिंपांजी हो गया, ह्यूमंस हो गए, सभी के सभी दिमागदार जानवर होते हैं। ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इनमें देखी जाती है, इंटेलिजेंट मैमल्स होते हैं। इनका जो नेल्स होता है, नाखून, वो फ्लैट होता है, हम लोग का नाखून फ्लैट है ना, फ्लैट नेल्स पाए जाते हैं, और हम लोग में फिंगर्स पेंटाडेक्टाइल्स पाई जाती है, ठीक है, टोस हमारे होते हैं, पंजड़े भी हमारे होते हैं। हमारा जो पंजड़ा होता है वो ग्रैप्सिंग टाइप का होता है, मतलब कोई भी चीज़ को पकड़ना हो तो ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़ लेते हैं, ग्रैप्स कर लेते हैं। हमारे फोर लिम्स होते हैं एंड हम लोग ओमनीवेरस टाइप के एनिमल्स होते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी दूध भी पीते हैं दोनों। हम लोग का जो फेस होता है, हम लोग को फेस में जो आई होता है वो फॉरवर्डली रखा हुआ होता है, फॉरवर्ड फेसिंग आईज हमें पाई जाती है, सामने तरफ देखते हैं ना, फॉरवर्ड देखते हैं ना हम लोग, कि पीछे हम लोग आँख दिखाता है, तो बोलेंगे नहीं सर आगे दिखाता है, फॉरवर्ड फेसिंग आईज हमें होती है। कुछ इनमें जो एनिमल्स होंगे उनमें टेल्स पाई जाएगी, जैसे कि मंकी हो गया, चिंपांजी, शायद चिंपांजी में होता कि नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे, मंकी हो गया, लेमूर हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में नहीं भी पाया जाता है, तो सम, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सम में पाया जाएगा, कुछ में, ह्यूमन में पूछ थोड़ी पाई जाती है। अब देखिए इसके एग्जांपल, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, गिबोंस हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब समझते हैं नीचे के तीन, हायरोकोइडिया, ये किस तरह के एनिमल होते हैं, ये छोटे छोटे जानवर होते हैं देखने में, इनमें भी स्नॉट पाई जाती है, नोखिली, मतलब मुँह जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, नोखिले टाइप का, इनके अंदर ईयर्स प्रेजेंट होती है, इनका जो लेग होता है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती हुई है, उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जांपल गलत लिखा गया है, श्रू एंड मोल्स, जो कि गलती से लिखा गया है, इसका एग्जांपल नहीं है, ये इंसेक्टिवोरा पहले ऑर्डर का एग्जांपल था, इस ऑर्डर का एग्जांपल है हायरक्स, ये हायरक्स एनिमल इसका एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये ख़त्म हुआ, अब हम लोग समझते हैं प्रोबोशीडिया, ये लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल्स होते हैं, हाथी, ये प्रोबोशीडिया में हाथी वगैरह आ जाते हैं, लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल। क्वेश्चन बनता है, जीके का क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, नॉट एक्वेटिक, ऑन लैंड, एक्वेटिक गिनेंगे तब तो वो ब्लू व्हेल हो जाएगा, लैंड पे सबसे बड़ा जानवर कौन प्रेजेंट है, तो बोलेंगे हाथी से बड़ा कोई जानवर ही नहीं है, खास करके अफ्रीकन हाथी जो होता है। तो ये लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल्स होते हैं, लार्ज होंगे तो इनका सब चीज़ लार्ज होगा, जैसे कि देखिए इनका हेड भी लार्ज होता है, इनका कान भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, हाथी का कान देखा है, मैसिव ईयर्स होते हैं, इनके बॉडी पे हेयर बहुत कम देखने को मिलता है, हेयर लेस बॉडी होता है, ठीक है, और इनका जो स्किन होता है मोटा मोटा होता है, हाथी का स्किन देखना काफ़ी मोटा चमड़ी होगा, जिसको हम लोग पाइकीडर्म कहते हैं, हाथी के स्किन को क्या कहते हैं, पाइकीडर्म कहते हैं। इनका जो नोज़ होता है और अपर लिप्स होता है, हाथी में तो सूंड पाया जाता है ना, वही वाला देखो, इनका नोज़ एंड अपर लिप्स ट्रंक्स के फॉर्म में मॉडिफाई रहता है, ट्रंक्स पाई जाती है, नोज़ इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है, नोज़ और अपर लिप्स जो होता है वो क्या बना लेता है, ट्रंक बना लेता है, सूंड। एलिफेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एलिफेंट में भी अफ्रीकन एलिफेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एशिया में भी एलिफेंट पाया जाता है, तो एशियाटिक एलिफेंट्स भी इसका एग्जाम्पल है। अफ्रीकन एलिफेंट को लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना कहते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट समझते हैं पेरिसोडक्टाइला, पेरिसोडक्टाइला में वैसे इनमें जिनमें जो अंगुलियां पाई जाएगी वो ऑड नंबर में पाई जाएगी, या तो वन पाया जाएगा या तो तीन पाया जाएगा, ऑड नंबर पढ़ा है ना मैथ में, वही वाली कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होनी है, ऑड नंबर ऑफ टोड पाई जाती है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट पाई जाती है, डिजिट मतलब अंगुली, या तो वन पाई जाएगी या तो तीन पाई जाएगी, जैसे कि हॉर्स को ले लो, हॉर्स का अंगुली कभी देखा है,
ठीक है, हॉर्स को एग्जांपल ले सकते हैं, जेबरा को एग्जांपल ले सकते हैं, राइनोसोरस को एग्जांपल ले सकते हैं, ये सभी पेरिसोडक्टाइला के एग्जांपल है। इनकी उंगलियों को देखने का भी जिंदगी में मिले मौका तो जरूर देखना। अभी नहीं के साइंटिफिक नेम लिखा गया है, इक्वस कैवोलस, जेबरा को इक्वस जेबरा कहते हैं, राइनो को राइनोसोरस कहते हैं। आर्टियोडक्टाइला आज का लास्ट, आर्टियोडक्टाइला में जो जो डिजिट्स पाई जाती है वो इवन होती है, हुफ्ड इवन, हुफ्ड इवन डिजिट्स पाई जाती है, तो ना दो चार, या तो दो पाए जाएंगे उंगली या तो चार पाए जाएंगे। पिग इसका एग्जांपल है, पिग को सुस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ऑक्स पाई जाएगी, कैमल्स पाई जाएगी, जंगली भैंसा जिसको बाइसन बोलते हैं, हिप्पोपोटामस काफ़ी देखा होगा आपने बचपन के अपने किताबों में, तो हिप्पोपोटामस भी इसी का एग्जांपल है आर्टियोडक्टाइला का। बकरियां, जिराफ, ईटीसी, ये सभी इनके एग्जांपल है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये गोट, जिराफ किस तरह के एनिमल होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। ये और भी फीचर्स लिखे जा सकते हैं कि जितने भी गोट को देखेंगे या जिराफ को देखेंगे वो क्या करते हैं, च्यूइंग एनिमल होते हैं, मतलब चबा चबा कर खाने वाले होते हैं, रूमिनेट कहते हैं, चबाने को ही साइंटिस्ट भाषा में रूमिनेट कहते हैं। ठीक है, इनका जो स्टोमक होता है वो चार चैम्बर का होता है, ठीक है, चार चैम्बर का इनमें स्टोमक पाया जाएगा। पेरिसोडक्टाइला में जो इंसीजर कैनाइन इनमें अब्सेंट था, ये सभी वो इनमें प्रेजेंट है, इसका ठीक उल्टा, इनमें स्टोमक चार चैम्बर था लेकिन इसका जो स्टोमक है वो सिंपल है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला सारे इधर के पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और भी फीचर्स करेक्टर्स आप लिख सकते हैं जो कि हमने नहीं बताए। इनके जो सिस्टम्स होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके करेक्टर्स में, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल सेक्सुअल पेनिस पाई जाती है कि नहीं फीमेल में, ओवम ओवा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी क्योंकि काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो हमने आज पढ़ाया है और वही आपको एग्जाम में भी लिखना है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार करें, प्यार मतलब सब्सक्राइब करें, थैंक यू।